डॉक्टर सालुंखे कहते हैं कि मुर्दे बोलते हैं जी। डॉक्टर साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज लेकर ही आते हैं, सीधा तो कभी सोचते ही नहीं। हम लोग की अक्सर नोकझोंक होती रहती है उनसे, मगर हैं वो बिल्कुल ब्रिलियंट। उनका दिमाग पूछो मत कितना तेज है। वो कहते हैं कि मुर्दे बोलते हैं और मुर्दे हमेशा सच बोलते हैं। ये बात तो है, उनके हाथ में कोई मुर्दा दे दो तो अकेले में उससे कुछ बातचीत करके उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। सबसे पहले उसका मुंह खोलते हैं, उसके दांत गिनते हैं और फिर बता देते हैं कि इसकी उम्र कम से कम कितनी है जी। फिर उसकी खोपड़ी चेक करते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुर्दे को छिपाने के लिए जमीन में गाड़ देते हैं उसको, मगर जब कभी भी वो मुर्दा जमीन में से बाहर निकलेगा, डॉक्टर साळुंखे को अपनी कहानी जरूर सुनाएगा। कुछ लोग जला देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, पूरी की पूरी कारी जला दी। सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मगर बांसुरी बची। लाशें जल गई थी पूरी की पूरी, मगर डॉक्टर साळुंखे ने कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल ही लिया। क्या? लाश के पैर में एक स्टील की रॉड पड़ी थी, मतलब जो आदमी मरा था उसका ऑपरेशन हुआ था। ये जो स्टील की रॉड होती है उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, जिसे पता चल जाता है ये रॉड कब बनी थी और किसको दी गई थी। देखा क्या कमाल किया डॉक्टर साळुंखे ने? ये तो कुछ भी नहीं है, इस केस में क्या क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। लोग बेटा, तुमने पलाश को बताया कि नहीं? हाँ चाचा जी, मैंने बता दिया है। पलाश दिया और उसका बेटा अमेरिका से आ रहे हैं इंडिया, बस आते ही होंगे। वो आने वाला है ना, आने वाला है ना? हाँ हाँ चाचा जी, बस किसी भी वक्त वो आते ही होंगे। ये तुमने अच्छी बात कही। अब मैं बस यही दुआ करूंगा कि जब तक मैं पलाश का मुंह नहीं देख लेता तब तक मेरी सांसें चलती रही। जिंदगी पूरी हो गई, मैंने मेरे बेटे का मुंह नहीं देखा। चाचा जी आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, बस वो आते ही होंगे। काश मैंने पलाश की शादी दिया के साथ हो जाने दी होती, कम से कम इंडिया 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 छोड़कर तो नहीं जाता। चाचा जी अब ये वक्त नहीं है ये सब बात सोचने का। अब आप शांत हो जाइए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हरिलाल जी, ये तो जमशेद जी है, दादाजी के वकील। ये यहां क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं, लेकिन ये यहां कैसे पहुंच गया ये मेरी समझ में नहीं आता। हरिलाल जी, आप इनसे ज्यादा बात न कीजिए। यस। हाँ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से बट थोड़ी देर के लिए आप हरिलाल जी अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए इनका ख्याल रखिएगा। ओह यस। मॉन्टी, शांत हो जा, देख शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। डैड, ये वकील जमशेद जी यहाँ क्यों आया है? पता नहीं बेटा। ये दादाजी को अभी अचानक पलाश अंकल की याद कहाँ से आ गई? कहीं वो वसीयत तो नहीं बदलने वाले?
मेरे हिसाब से पलाश अंकल को कुछ नहीं मिलना चाहिए। भूल गए, इतने सालों तक आपने सेवा की होगी। शांत हो जा, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चिल्लाना बंद कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा इरादा क्या है। देख, वक्त आने पर हम अपनी चाल चलेंगे, लेकिन इस वक्त शांत हो जा। ये अचानक पलाश अंकल को हिंदुस्तान आने की क्या सोची? कहीं आपने तो क्या बकवास कर रहे हो मोंटी तुम? मैं पलाश को यह खबर क्यों पहुंचाने लगा? मैं कल रात को पलाश का मेरे मोबाइल पे अचानक फोन आया और उसने मुझे बताया कि वो फैमिली के साथ इंडिया आ रहा है। ये बुड्ढा इतना बीमार है, ये खबर मैंने नहीं लेकिन मेरे ख्याल से हमारे किसी रिश्तेदार ने उसे पहुंचाई। अगर पलाश यहाँ आ गया ना तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। देख मोंटी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता। डैड, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मोंटी, देख बेटा, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। मैं खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। ये तू फोन किसे लगा रहा है? आप फिक्र मत कीजिए। मोंटी, हे भगवान, ये मोंटी पता नहीं किसे फोन लगा रहा है। हाँ जैक, कल परसों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ऐसा लगना चाहिए, कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, समझे? राइट। पलाश भाई साहब अभी तक आए क्यों नहीं? लोग भाई साहब, पंडित जी और इंतजार नहीं कर सकते, एक घंटा हो गया है, पलाश जी को अब तक तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। That's right. तुम्हारे पास उनका नंबर है? नहीं, उनका पहला फोन अमेरिका से आया था लेकिन वो फोन उन्होंने उनके घर के लैंडलाइन से किया था और दूसरा फोन एयरपोर्ट से। हेलो जी, हाँ जी, जी हाँ, ये हरिलाल जी का ही घर है जी। क्या क्या हुआ, क्या हुआ बोलो? पलाश जी की गाड़ी मिली है। वही गाड़ी जो हमने एयरपोर्ट भेजी थी? हाँ। क्या हुआ उस गाड़ी को? वो गाड़ी जली हुई मिली और उसके अंदर ओह माय गॉड, तीनों की तीनों लाशें बुरी तरह जल गई हैं। अगर इस ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है। ये बात तो है सर। ड्राइवर कार छोड़ के भाग गया होगा सर। हाँ, चलो जरा बॉडीज को निकालो, संभाल के देखो कहीं वो टूट न जाए। हाँ दे सैंडल। तो इसका मतलब है वो वहां औरत बैठी,
ऐसा घर वालों को भी कहना था कि गाड़ी में हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा था, तो इसका मतलब है बीवी उस तरफ बैठी थी और हस्बैंड इस तरफ, और शायद आगे वाले सीट में बेटा बैठा था। आते कार वही है MS02L3131, नंबर वही है जो उन लोगों ने बताया था। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये ड्राइवर भागा तो भागा कहाँ? सर हाँ, यहाँ कुछ जले हुए पासपोर्ट मिले, पता चलेगा किसके पासपोर्ट है। काफी जले हुए हैं, लेकिन साड़ुंके साहब थोड़ी मेहनत करेंगे तो पता चल जाएगा किसके हैं। साड़ुंके साहब जरूर पता लगाएंगे, अभी जी थोड़ा खिसका हुआ है लेकिन है बड़ा ब्रिलियंट। हाँ तो डॉक्टर साहब, मुर्दों ने कुछ बताया? नहीं, अभी तक तो चुपी हैं बेचारे, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कुछ बातें जान ली हैं। तो फिर यार हमारे कान में भी चुपके से बता दो। देखो, ये लाश एक आदमी की है जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल की है, और ये एक औरत लगभग 40 साल की, और तीसरा एक लड़का है 20-22 साल का। ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, कोई काम की बात बताइए। काम की बात, ये देखिए, ये इस आदमी की टांग का एक्सरे है। इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होगा कभी, इसकी टांग में ये रॉड डाली गई है स्टील की। सर पलाश के परिवार वालों को मालूम होगा कभी उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ संग, क्या इनका चेहरा बना सकते हो? एसपी साहब, लाशें पूरी तरह से जल गई है, चेहरा बन सकता है लेकिन ठीक नहीं बनेगा। सर एक और बात है। वो क्या? कार में आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि लगाई गई है। कपड़ों में से केरोसिन की बदबू अभी भी आ रही है, और केरोसिन के साथ रबर सॉल्यूशन भी यूज किया गया है। मतलब ये खून है? जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन खून। पूरी की पूरी कार जल गई, अंदर बैठे हुए लोग भी जल गए, फिर भी गाड़ी में कुछ तो बचा, न जाने कैसे। सर ये जले हुए पासपोर्ट, ये पलाश का, उसकी वाइफ का तो साफ साफ दिख रहा है सर, ये तीसरा उसके बेटे का पूरी तरह से जल गया, और ये स्टील का रॉड उसकी लाश में से उसके पैर में से मिला है। शायद उसके पैर की हड्डी कभी टूटी होगी। जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था 25 साल पहले। मतलब ये बात पक्की हो गई है कि पलाश भाई साहब की मौत हो गई है? हाँ लगता तो ऐसे ही है। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। पलाश और उसकी फैमिली की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम लोगों को ही होने वाला था। मतलब उनकी मौत के जिम्मेदार हम हैं? जी हाँ, गाड़ी में आग अपने आप नहीं लगी, किसी ने आग लगाई थी। पलाश जी अपने डैडी से मिलते या नहीं मिलते, उससे मेरे भाग्य में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अरे मुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। हाँ, अगर पलाश जी कुछ दे देते तो बात अलग थी। पलाश जी के मरने से सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा ही हुआ है, मैं भला ऐसा पाप क्यों करूंगी? वो कार आपकी थी ना? हाँ जी। ड्राइवर गायब है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चला गया। कहीं भी छुपने दो, हम ढूंढ के निकालेंगे उसे। उसका एड्रेस है आप लोगों के पास? हमने तो आज तक उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ रहता है। कोई बात नहीं सर, वो ड्राइवर हरिलाल के यहाँ पे बहुत सालों से काम करता था, उसके किसी जान पहचान वाले ने उसे वहां भेजा होगा, हम लोग ढूंढ लेंगे सर उसे। हाँ, और दया इस हरिलाल के वकील जमशेद जी जीजी बॉय को फोन करो। कोई है? हेल्प!
रुको, सुनिए, सुनिए, स्टॉप, स्टॉप, हेल्प, स्टॉप मी। प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, मुझे चोट भी लगी है। प्लीज, प्लीज हेल्प मी। मुझे घर पहुंचा दीजिए प्लीज। चाहिए तुम्हें मॉन्टी, ये कोई तरीका है अपनी बहन से बात करने का? बहन? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मोनिशा लोकमल, आप मुझे कैसे भूल गए? ये तुम सबके नाम जानती है? कैसे जानती हो तुम हम सबके नाम? क्या आंटी, हाँ मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं मोनिशा, पलाशा दिया की बेटी मोनिशा। What? पलाश और दिया की बेटी? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ बोल रही है। पलाश और दिया की कोई बेटी नहीं, उनका तो बेटा था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी, पलाश और दिया का कोई बेटा नहीं था, बस एक बेटी थी और वो मैं हूँ मोनिशा। नहीं, पलाश और दिया का एक ही बेटा था जो कार एक्सीडेंट में मारा गया, पलाश और दिया के साथ। अरे उन्हीं की तो शोक सभा मना रहे हैं हम लोग। यही एड्रेस दिया था जमशेद जी ने। लगता है घर में कोई नहीं। शायद सोन भाग गया है। जब जब खून का मामला होता है लोग घर से गायब हो जाते हैं। एक काम करते हैं, मैं विवेक यहाँ चेक करते हैं, तुम जरा घर के आसपास चेक कर लो। अभिजीत, अभिजीत, हाँ है कुछ? जरा कुछ खोदने के लिए लेके।
एक मिनट। खून सिर्फ गले से ही निकल रहा है। सर, घर में कोई हाथापाई के निशान भी नहीं थे। ऐसा लगता है जब वहां सड़क पे कार जल रही थी तो ये वहां से भागा होगा, पर शायद कोई इसका पीछा करते करते यहां तक आ गया। अगर ये वहां से भागा तो हरिलाल के घर क्यों नहीं गया? ये यहां के क्यों छुपा? बस मुझे लगता है कार को जलाने में इसका भी हाथ था। मोनिशा, तो आपके कहने के मुताबिक पलाश जी आपके डैडी थे, मगर ये लोग तो कह रहे कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं, उनका तो सिर्फ एक बेटा था। जो झूठ बोल रहे हैं सर। मैं आप लोग इसकी बातों में मत आइए। तो क्या ये सब आप लोगों की बात मान ले कि पलाश जी की बस एक ही औलाद थी और वो भी एक बेटा? बिल्कुल क्यों नहीं। आप लोगों को एक बात बता दूं कि पलाश जी की बस एक ही संतान थी और वो भी एक बेटी, और वो मैं हूँ। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब पलाश जी का कोई बेटा था ही नहीं? नहीं। ये देखिए, ये है सबूत। इसमें तो जी हाँ, ये मैं ही हूँ। Thank God, ये तो पलाश भाई साहब का ही फोटोग्राफ है। हाँ, कि मेरे डैडी पलाश ही है। मेरे डैडी लॉस एंजलिस में बहुत बड़े आदमी थे। अगर आप लोग चाहें तो मेरा डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से पलाश जी जो हमें लेटर्स लिखते आ रहे हैं उनमें तो हमेशा यही लिखा था कि उनका एक बेटा है, बेटी नहीं है। कौन से लेटर की बात कर रही है आप? मेरे डैडी ने कभी कोई लेटर नहीं लिखे, और आप लोगों को कभी नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। मेरे डैडी आप लोगों के साथ कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। तो फिर वो लेटर्स कौन लिखता था? हाँ, मुझे क्या मालूम किसने लिखे थे। तो कार में जिस लड़के की मौत हुई वो पलाश जी का बेटा नहीं था? नहीं। अगर तुम उस गाड़ी में थी तो तुम कैसे बच गई? क्योंकि मैं गाड़ी से बाहर निकल गई थी। बाहर? बाहर किस लिए? जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैं गाड़ी से उतरी और जंगल की तरफ बढ़ी। जब वापस लौटी तब देखा कि गाड़ी की तरफ एक आदमी बढ़ रहा था। उसने मुझे देखा और मैं वहां से भाग निकली। कुछ देर भागने के बाद मैं जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। जब सुबह उठी तब मालूम पड़ा कि उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को मार दी। वो तीसरी लाश कहीं उस आदमी की तो नहीं है? या फिर सर, वो लाश उस ड्राइवर की भी हो सकती है? नहीं सर, वो बॉडी ड्राइवर की नहीं हो सकती, क्योंकि ड्राइवर मिल गया। जिंदा या मुर्दा? मुर्दा सर। किसने मारा उसे? अभी तो कुछ पता नहीं चला है सर। अच्छा, दे। अभी पता चला है कि पलाश ने आज तक कभी किसी को लेटर्स भेजे ही नहीं थे, मगर ये लोग कह रहे हैं कि पलाश पिछले कई सालों से इनको लेटर्स भेज रहा था। एक काम करो, वो सारे के सारे लेटर्स ले आओ, और हरिलाल के ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो और ये तीन, इन सब के हैंडराइटिंग के सैंपल्स ले लो। देखते हैं वो लेटर्स किसने लिखे हैं। जिस किसी ने भी इस बेचारे ड्राइवर को मारा है उस आदमी को, सर, उस औरत को। ओ या, I'm sorry। जिस किसी ने भी इस बेचारे ड्राइवर को मारा है उस औरत को सर्जरी की अच्छी जानकारी होगी। औरत को? जी हाँ, औरत को। खूनी एक औरत है, और ये बात मैंने पता नहीं की, ये बात डॉक्टर तारिका ने पता किया। अच्छा, मैं तो हमेशा कहते आया हूँ कि डॉक्टर तारिका में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, मगर कोई ये बात समझने और पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। अभिजीत, एक मिनट आओ। अभिजीत, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम डॉक्टर तारिका पर पूरी तरह से लट्टू हो गए हो, लेकिन अभिजीत, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी लैब में आकर के आग लगा करके चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं डॉक्टर तारिका की इज्जत नहीं करता? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे ही। नहीं, कह लो, ऐसे ही कह लो। देखिए, आप बात को बढ़ाइए मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। क्यों तारिका? वही तो, अभिजीत तो बस ऐसे ही कह रहे सर। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। और क्या? Then it's okay. Then it's all right. All right. Come. आओ, देखो।
ये देखो, इस आदमी की गर्दन पूरी तरह से काटी नहीं गई है, सिर्फ एक होल किया गया है सही जगह पर, और बेचारा मर गया। लेकिन इससे ये कैसे पता चलता है कि खूनी एक औरत है? हाँ, वो तो बताइए, या वो भी डॉक्टर तारिका ही बताएंगे। तारिका, कम हियर, ये आज सब कुछ तुमसे सुनना चाहते हैं, कम। जी सर। ये देखिए सर, ये जो गले पे दाएं तरफ निशान है, ये नाखून का निशान है, दाएं हाथ का नाखून। उस औरत ने जब गला पकड़ा तब उसके नाखून गले में घुस गए और नाखून पे लगी हुई नेल पॉलिश भी अंदर रह गई। ये किसी फ्रेंच टाइप की नेल पॉलिश है। तो इससे पता चलता है कि खूनी एक लड़की है। जी सर। वाह, इसे कहते हैं डिटेक्शन। देखा साड़ों के साथ? देखा सर। ये ड्राइवर तो यहाँ पड़ा हुआ है, और जो जली हुई लाश मिली है, एक तो पलाश की है, दूसरी उसकी वाइफ की, और तीसरी शायद उस आदमी की होगी जो पलाश को मारने गया था। गया। लगता है मारने वाला और ड्राइवर दोनों ने मिलकर पलाश और उसकी बीवी का खून कर दिया, फिर ड्राइवर ने मारने वाले को बेहोश किया और कार में आग लगा दी, और फिर किसी ने ड्राइवर को ही खत्म कर दिया। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, खेल खत्म। फिर भी डॉक्टर तारिका ने ढूंढ ही निकाला कि मारने वाली कोई लड़की हो सकती है। वाह तारिका, वाह। चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि जो ड्राइवर पलाश को लेके आ रहा था उसका खून एक लड़की ने किया है। हाँ सर, वो फ्रेंच नेल पॉलिश कोई आदमी तो लगाएगा नहीं। हाँ, और तो और, ये एक लड़की है जो सर्जरी के बारे में भी जानती है। इसका मतलब सर, कहीं वो डॉक्टर तो नहीं है? दया, इस केस में दो दो लड़कियां हैं, एक पलाश की बेटी मोनिशा और दूसरी किया। सर, पर मोनिशा को तो खुद इतनी चोटें लगी हुई हैं, वो अपने माँ बाप का खून कैसे कर सकती है? और किया को किसी का खून करके कोई फायदा होने वाला नहीं था, और ये बात उसे मालूम है सर कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे एक पैसा नहीं मिलेगा इस हरिलाल की जायदाद में से। एक और बात है सर, मैंने मोनिशा के और किया के दोनों के हाथ चेक किए, दोनों के हाथों पे नेल पॉलिश नहीं लगी हुई थी। ओए रिडेक्स, क्या हुआ? सर मिल गया। मिल गया? सर, हरिलाल के वकील जमशेद ने जो सैंपल दिया था हमें पलाश के हैंडराइटिंग का, उसे देखकर सब पता चल गया। मतलब पलाश ने जो अमेरिका से लेटर लिखे थे उसने खुद लिखे? नहीं सर, उसने नहीं लिखे। मगर पलाश तो पिछले 20 साल से लेटर्स लिख रहा था। सर, कोई दूसरा आदमी पलाश के हैंडराइटिंग में वो 20 साल से लेटर लिख रहा है। और तो और सर, ये दूसरा आदमी अमेरिका में नहीं है, यहाँ अपने इंडिया में। अच्छा, ये देखिए सर। सर, हरिलाल के ऑफिस में एक आदमी काम करता है, उसी ने लिखे सारे लेटर। कौन है ये आदमी? सर, कोई कुनाडी नाम का आदमी है, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर। सीनियर अकाउंट्स मैनेजर? सर, इसी ने मरवाया होगा पलाश को, उसकी वाइफ को और उसके ड्राइवर को। दया, उठाओ इस कोनाटी को। हम लोग सीआईडी से। कोनाटी साहब हैं घर में? जी जी नहीं, साहब तो बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, तुम सही बात कर लेंगे हम लोग। सब साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, साहब वाकई गीता मेम साहब के साथ बाहर गए हुए। गीता मेम साहब कौन है? जी, कोनाटी साहब की वाइफ है सर। ये लिखावट किसकी? सर, ये कोनाती साहब ने ही लिखा है। ओहो सर। हाँ। कोनाती साहब की लिखावट देखिए, बड़ी खूबसूरत है, अच्छा कैलीग्राफर है। अभिजीत, अब समझ में आया इसने क्यों पलश की नाम से वो नकली लेटर लिखे हैं। ये बताओ, तुम्हारे कोनाटी साहब कब से गायब है? सर, 4 दिन हो गए साहब। 4 दिन? 4 दिन पहले? सर, ये कार भी तो 4 दिन पहले ही चली थी। जिस दिन से पलाश मरा है उस कार में जल के, उसी दिन से कोनाटी भी गायब। सुनो, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है लोग कहाँ गए होंगे? नहीं सर, मुझे भी काफी फिक्र हो रही है उनकी। कोई आता था साहब से मिलने के लिए? जी, एक आदमी आता था साहब। कौन? पता नहीं सर, काफी पैसा लेके आता था। पर वो सर, कितनी बार लाया था वो पैसा? सर, बहुत बार आया था वो। एक बार
साहब का एक्सीडेंट हो गया था तो ऑपरेशन के लिए भी उसी ने साहब पैसे दिए थे उनको। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? एक बार हमारे साहब के पैर की हड्डी टूट गई थी। अच्छा, ये जो आदमी पैसा लेके आता था वो कैसा दिखता है? आई मीन बुड्ढा है, जवान है, कैसा है वो? जवान था साहब, 20-22 साल का था, काफी अमीर लगता था। अभिजीत, विवेक को फोन करो और कहो कि मोनिशा पर नजर रखे, और दया जरा हॉस्पिटल में जाकर इस कोनाटी के ऑपरेशन के बारे में पूछताछ करो। यस सर। तुम्हारे साहब का ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? डॉक्टर सोधी साहब के हॉस्पिटल में। कौन है वहां पर? कौन? मोनिशा, क्या हुआ बेटी? लोग अंकल मुझे प्लीज बचा लीजिए, प्लीज। माय गॉड, तुम मोनिशा? माय गॉड, मोटी चाकू दे दो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये चाकू कहाँ से आ गया। चलो। शर्म नहीं आती तुझे? पापा आप तो विश्वास कीजिए, मुझे किसी ने फंसाया है। झूठ बोल रहा है ये। फंसाया तुझे? हाथ में चाकू लेके आया तू और तू बोल रहा है किसी ने फंसाया है? मोनिशा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैसे फिक्र ना करो, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है अब ब्यूरो में बोलना, समझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, पिछले महीने में आपने कुनाटी नाम के एक आदमी की सर्जरी की थी, पैर की। कुनाटी? हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में रॉड डाली थी। उसके पैर में रॉड डाली थी? हाँ, क्या हुआ, फिर से उसकी हड्डी टूट गई क्या? नहीं, मैं ये पूछने आया था कि जब वो यहाँ हॉस्पिटल में था तब कौन कौन मिलने आता था उससे। ये बात तो हमारी मैट्रन ही बता सकती है। एक मिनट, संगीता, वो कुनाटी नाम का पेशेंट था ना पिछले महीने, जरा उसके रिकॉर्ड की फाइल लेके आना। क्या हुआ? तीन लोग जल के मरे हैं एक कार में, और हमें शक है कि इस आदमी का उसमें हाथ है। ओह माय गॉड, देखने में एकदम शरीफ आदमी लगता था। ये फाइल मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, देखिए। थैंक्स। ये क्या आप चेक का कॉपी भी रखते हैं? एक एक चीज साहब, एक एक। ये क्या, मोंटी? ये चेक पे मोंटी का सिग्नेचर? ये उसका भाई है। भाई? हाँ, बहुत तंग करता था। आखिरी दिन एक टेढ़ी सी औरत भी आई थी। टेढ़ी औरत? नाम क्या था उसका? जरा आखिरी पेज खोलिए। किया? हाँ किया। मैंने बोला कोलाटी को हम लोग अभी नहीं छोड़ सकते, एक दो दिन रुकना पड़ेगा। तो बोली मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मेडिकल के बारे में सब मालूम है, मैं सर्जरी भी जानती हूँ। तो किया कुनाटी को यहाँ से ले गई? हाँ। ठीक है, थैंक्स। ये बिल ले जा सकता हूँ मैं? Why not? Sure. Thanks. मैं आप लोग से कह चुका हूँ, मैंने मोनिशा को चाकू नहीं मारा। लेकिन चाकू तो तुम्हारे हाथ में था। हाँ। वो कहाँ से आया? पता नहीं, अंधेरे में कहाँ से आ गया। मैं तो बस टकराया था किसी से और चाकू हाथ में आ गया। अंधेरे में चाकू आ गया हाथ में? हाँ, किसी ने मुझे धक्का मारा, जब लाइट वापस आई तो चाकू मेरे हाथ में और सामने मोनिशा घायल। सर मैं पागल हो जाऊंगा सर। क्या हुआ फ्रेडी? कुछ नहीं सर, खड़े खड़े जोक मार रहा है, अंधेरा चाकू। सर। ओ, तो ये बात है, ये क्या है? क्या ये अकाउंट्स मैनेजर के ऑपरेशन का बिल? हाँ, वो उनका ऑपरेशन होने वाला था इसलिए मैंने पैसे दिए। पुराने एम्प्लॉय है ना? अरे एम्प्लॉय,
वहां हॉस्पिटल में तो बोल रहा था कि वो तुम्हारा भाई है। हाँ भाई जैसा ही हुआ। भाई जैसा। मैं मेरे डैड और अकाउंटेंट इस कंपनी को लूट गए। अकाउंटेंट ने धीरे धीरे करके लाखों रुपए हमें निकाल के दिए। हमें मालूम था कि पलाश अंकल अब कभी नहीं आने वाले, मगर पलाश वापस आ गया। और तुम लोगों ने उसे मरवा दिया। कहाँ है अकाउंटेंट अभी? मुझे नहीं मालूम। ये किया तुम लोगों के साथ मिली हुई है हुँ? किया? हाँ सर, किया अकाउंटेंट कोनाटी को लेके गई है। कहाँ? सर कह के गई है कि उसे सर्जरी के बारे में मालूम है। अच्छा, मतलब ये किया सर्जरी भी जानती है? तो दया कहीं, उसी ने तो ड्राइवर का खून नहीं किया। कहाँ लेके गई है कोनाटी को वो? हाँ मुझे नहीं मालूम। दया इनके घर चल के देखो। सर लावण्या फोन ही नहीं उठा रहे। साहब 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 जी साहब, घर के सब लोग कहाँ हैं? अंदर है? नहीं साहब, किया मैडम और मोनिशा मैडम तो अभी भी बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? कहाँ गई हैं? मालूम नहीं साहब। अरे मालूम कैसे नहीं तुम्हें? कहीं हमारी ऑफिसर लावण्या तो उनके साथ नहीं है? नहीं साहब, वो दोनों ही थे। तो फिर लावण्या अंदर ही होगी, जल्दी जाके देखो। लावण्या, लावण्या कहाँ चली गई? लावण्या, लावण्या, बड़े लोग हैं साहब, क्या मालूम। सर सर जल्दी आइए, लगता है फ्रेडरिक से कुछ गड़बड़ की है। सर लावण्या अंदर बेहोश पड़ी हुई है। सर लावण्या आगे खुलो, लावण्या, लावण्या सर, लावण्या, लावण्या अरे ठीक तो है? लग तो नहीं रहा है सर। तो फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। संभाल के लेके जाओ, लेके जाओ सर। इसके पहले कि किया बहुत दूर निकल जाए, हमें सबको अलर्ट कर देना चाहिए। हाँ, वो गाड़ी किसी भी हालत में शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हेलो कंट्रोल रूम। मनीषा फोन नहीं उठा रही है सर। अरे नहीं, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो गाड़ी अभी भी शहर में नहीं, तो अभी पता चल जाएगा। हेलो क्या गाड़ी दिखाई थी कहाँ पर? ठीक है, हम लोग अभी वहां आ रहे हैं। गाड़ी मार्को रोड पर दिखाई दी है, जल्दी करो। वेरी गुड मोनिशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मगर आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना ये सब कुछ तो। कम ऑन मोनिशा, तुम पलाश भाई साहब की सकी बेटी हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। क्या सचमुच बहुत कुछ किया है तुमने हमारे लिए, वरना आज की दुनिया में जहां सब अपना अपना सोचते हैं, कौन करता है किसी के लिए। तुमने मैनेजर और उसकी पत्नी को गाड़ी में बैठाया, गाड़ी को आग लगवाई और तो और सोहम को भी मरवा दिया। हा? क्या भाई साहब, आप भी ना। मगर मुझे माफ करना मेरी बहन। माफ कर देना मतलब? माफ कर देना मतलब? मोनिशा, मोनिशा व्हाट? मोनिशा पागल हो गई क्या? हमारे प्लान को पूरा होने के लिए ये तो बहुत जरूरी है। मोनिशा क्या कर रही हो तुम? मोनिशा बस, अब खेल खत्म। बहुत लोगों को मार दिया, अब और नहीं। अब बताओ क्यों किया तुम लोगों ने ये सब, बताओ। हमारे हिंदुस्तान आने से पहले ही किया से हमारा कांटेक्ट हो चुका था। किया को लोग की इस चाल का पता चल चुका था कि कैसे वो कुनाटी के साथ मिलकर पैसे लूट रहा है। किया ने ही हमें बताया कि मोंटी ने किसी जे नाम के आदमी को हमें मारने के लिए सुपारी दी हुई है। हिंदुस्तान तो हमें आना ही था, क्योंकि अमेरिका में पापा ने बहुत से उधार लिए हुए थे और हमें वहां से भागना पड़ा था। हमें पिताजी के पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए हमने प्लान बनाया जिससे हमें पैसे भी मिलेंगे, लोक और बॉन्टी से बदला भी ले लेंगे। तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं, तुम लोगों को तो मेंटल असाइलम में होना चाहिए।
मैंने अपने पूरे करियर में इंश्योरेंस और इनहेरिटेंस का पैसा पाने के लिए इतना गंदा षड्यंत्र रचाते हुए किसी को भी नहीं देखा। अब अपनी बची हुई जिंदगी बिताना जेल में। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।